यूपी के मैनपुरी में अपराधियों के दिमाग से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। बेखौफ अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला थाना किसनी क्षेत्र का प्रकाश में आया, जहां जमीनी विवाद के चलते चार नामजदों ने महिला के घर पहुंच गाली गलौज करते हुए महिला को गोली मारकर घायल कर दिया। वही चीखने चिल्लाने की आवाज सुन जब पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो आरोपी गाली गलौज करते हुए मौके से फरार हो गया। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पेश है मैनपुरी के संवाददाता शिवनाथ सिंह की खास रिपोर्ट। ये जिसकी गोली लगी, क्या पूरा मामला है? ये उनके परिवार वालों के मुताबिक सर्विस दे रही है पत्नी राजेंद्र। इनके कहने के मुताबिक रात में करीब 1 बजे इनको चार लोग आए हैं, जिनको उनके पति के पति पूछते हुए कि कहाँ है आके इनको मारा पीटा है और उसके बाद गोली चलाई गई। इनके कहने के मुताबिक चोट हमने देखी है, इनको प्राथमिक उपचार किसी में दिया गया था, उसके बाद आज इनको यहाँ लाया गया है जहाँ हमने अपने तरीके से इनको उपचार दिया। अभी इनकी FIR दर्ज नहीं हुई है परिवार वालों के मुताबिक। तो मैं साहब घर पर नहीं था, मैं ससुराल में था, तो वो अपने घर पर लेटी ही थी दरवाजे के सामने, तो ये चार लोग बोल रही है आए थे, तो आने के बाद में उन्होंने पूछा तुम्हारे आदमी कहाँ हैं, उन्होंने कहा साहब मेरा आदमी घर नहीं है, हमने आपको पहचान लिया तुम ऐसे क्यों बोल रहे, तो उन्होंने कहा जो साथ में उनके थे गोली मारने वाले बोले भोसड़ी वाली के मारो गोली मारो थी, तो गोली मार दी पास में से गोली मारी है उनको लगे से बच गई है। वो सन्नाम नाथ और राजू नाथ और वो रमेश नाथ और रामलखन इन लोगों ने मारी है। हाँ इन लोगों ने। अच्छा थाने में आपने रिपोर्ट की तो क्या आपको रिस्पांस मिला? थाने में रिपोर्ट में साहब अब आप ये समझिए कि 1 बजे रात में कांड हुआ है और 2 बजे रात से थाने में से लेकर के और अस्पताल लो सब कोशिशें की हैं, लेकिन हमारी कोई वहां पर सुनवाई नहीं की गई। किसनी हॉस्पिटल में और किसनी थाने में आपने कोई सुन? अब वहां पर सुबह जो रिपोर्ट किया है उस रिपोर्ट का हमने कागज मांगा कि हमें नकल दी जाए, वो भी हमें नहीं दिया गया, जाओ इलाज कराओ। मैं संगम कहाँ के रहने वाले? एक रमेश नाथ का, एक राम लखन का।